हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनबॉक्स टेबल। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी एप्पल के इन एयरपॉड्स की, तो आज मैं बात करूँगा इसी की कुछ मस्ट हैव एसेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले तो जो मेरे को एसेसरी काफ़ी ज़रूरी लगी वो है इस केस की प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप एक मतलब ऐसे यूज़र हैं जो इतना ख्याल नहीं रख पाते और आपको लगता है कि इस केस को भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आप इसको स्क्रैचेस से बचाना चाहते हैं, तो इसका आप कवर बाय कर सकते हैं। मैंने जैसे कि ये कवर बाय किया है, इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं वैसे ही कर चुका, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ये आपको बड़ी आसानी से पेटीएम, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। मैंने इसको पेटीएम मॉल से ख़रीदा है। तो ये कुछ ऐसा सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर है और यूँ इसमें ये बॉक्स में ये ऐसे एयरपॉड्स का केस चले जाता है और ये हो गया सेट। तो और इसको आपको ओपन करना है तो ये आराम से ओपन हो जाता है और ये हो गया क्लोज। सारे बटन सारे यहीं हैं। ये आपका हो गया पेयरिंग के लिए, एंड्रॉयड पेयरिंग के लिए। ये हो गया आपका लाइटनिंग केबल। मैं आपको एक बार ही लगा के दिखा देता हूँ कि लाइटनिंग केबल इसमें आराम से लग जाती है। तो जी ये लग गई लाइटनिंग केबल और ये हो गई चार्जिंग शुरू। तो इसमें कोई इशू नहीं है, एक हो गया ये। उसके बाद में आ जाते हैं जो मेरे पास दूसरी एसेसरी है। उप्स, ये है मेरे पास इसकी एक और एसेसरी। बेसिकली ये क्या है कि मान लीजिए आप ईयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, आपने कान में लगा रखे हैं और आपको किसी से बात करनी है। अब आपको इनको पॉकेट में रखना पड़ेगा या आप मतलब निकाल के ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास में ये एसेसरी है, इसको बोलते हैं स्ट्रैप फॉर एयरपॉड, और इसको लगाइए इधर। तो अगर आपने इसको यूँ लगा रखा है कान पे और नेक, आप नेक की बैक में इसको लगा दें और फिर उतारेंगे, तो ये आपकी नेक पे रेस्ट कर सकते हैं और आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया है, ये देखिए। तो ये कहीं नहीं जाते इनके साथ। एक आप ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी थर्ड एसेसरी है जो मेरे को बेहद पसंद है, वो है ईयर हुक्स। ये है ईयर हुक्स, इसको मैंने ओपन कर लिया है एक्चुअली, ये कुछ यूँ आया था। हाँ जी, तो ये दो साइज़ेस में है, ये एक स्मॉल एक लार्ज। मैंने लार्ज लिया क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से कान में फिट हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहती है कि ईयरपॉड्स जो है ना, वो कई लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि वर्कआउट के टाइम पे वो कान से निकल जाते हैं, तो इधर काम आते हैं ये ईयर हुक्स जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में आपको एक ये यूज़र मैनुअल भी मिली थी जिसमें दिखा रखा है कि आपको इसको कैसे लगाना है और फिर कान में कैसे पहनना है। तो इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये यूं है, ये यहाँ जाएगा ये इसके ऊपर और ये हो गया। या थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका स्ट्रैप है ये सेंसर के ऊपर ना आए और ना ही इधर से आए। तो ये हो गया है सेट, ये आपका पोर्शन आपके कान में चले जाता है और इससे काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलती है। ऐसे ही ये वाला दूसरा भी लग जाएगा और काफ़ी बढ़िया ग्रिप देते हैं ये।
और कान से आसानी से निकलते नहीं हैं। बट मेन प्रॉब्लम जो है ईयर, और एक हो गया ये सिलिकॉन स्ट्रैप। इनमें मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि अगर आप इसको लगा देते हैं एयरपॉड्स के साथ, तो आप इसको चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि एक आपका स्ट्रैप लगता है यहाँ पे और ईयर हुक्स लगते हैं इसके ऊपर, तो वो अंदर फिट नहीं जाता है और चार्ज नहीं हो पाता है। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जब लगाना हो तो लगाएं और जब हटाना हो तब हटा के चार्ज पे एयरपॉड्स को लगा दें। बाकी कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर आप सिर्फ वॉक के लिए या फिर कैजुअली ही एयरपॉड्स को यूज़ करते हैं, तब तो ये चल भी जाते हैं। जॉगिंग और रनिंग वर्कआउट्स वगैरह में आपको इन एक्स्ट्रा ग्रिप की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि ये एयर हुक्स और एक ये सिलिकॉन स्ट्रैप की। बाकी आप ये केस तो बिल्कुल ले ही सकते हैं। मैं इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या फिर जहाँ से आपको सस्ता मिला आप वहाँ से ले सकते हैं। दी अनबॉक्स टेबल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को स्मैश करिए और नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो उस घंटी को बजा दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।